दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा गुवाहाटी के वशिष्ठ आश्रम में, जिसे वशिष्ठ मंदिर भी कहा जाता है। वशिष्ठ आश्रम मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी शहर से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर, दक्षिण से पूर्वी छोर पर बेलटोला क्षेत्र में संध्याचल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में एक वशिष्ठ गुफा है, जो कि यहाँ से थोड़ी दूर है और काफी नीचे जमीन में स्थित है। इस गुफा के अंदर पुजारी विराजमान हैं, जो कि पूजा अर्चना कराते हैं। इस आश्रम में विशेषकर शिव परिवार की पूजा होती है। इस मंदिर में शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति तथा गणेश जी के वाहन मूषक अर्थात चूहे की भी काफी विशाल मूर्ति है। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर कामरूप शैली में अहोम राजा राजेश्वर सिंह द्वारा 1764 ईस्वी में बनाया गया था। उन्होंने इसके साथ ही आश्रम के निर्माण के लिए 835 बीघा जमीन भी दान में दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस आश्रम की स्थापना स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने ही की थी। उन्होंने यहाँ अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया। इस मंदिर का इतिहास वैदिक काल पुराना माना जाता है। श्रद्धालु दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में निर्वाण दिवस यानी जिस दिन ऋषि वशिष्ठ ने मोक्ष प्राप्त किया था, वह दिन बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। भारी संख्या में भक्तजन इस दिन मंदिर में महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करने आते हैं। हर दिन पूजा के दौरान भगवान को पुष्प, मिष्ठान और धूप अगरबत्ती अर्पित की जाती है। कुछ श्रद्धालु भगवान को नवीन वस्त्र भी चढ़ाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।